प्रदेश में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भोजपुर जिले के करमटोला का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने सरेआम तीन युवकों को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार युवकों ने झगड़े और छेड़खानी के विरोध किया था। इसी दौरान दबंग बदमाशों ने लोहे की रॉड और हथियार बंद से तीनों युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर और रॉड से हमला कर दिया। हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक के सिर में गोली लगने से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है। पंडित जी का लड़का है, हमारे परिवार के एनी टाइम कॉल करते रहे, हम ना रही तो हम ऐसा गाली गोला जाते करे, ठीक ना। ओकरा साथ एक बूढ़ी थी, ओकर दादी, वो हमेशा माने फोन छोड़त रही, वो गाली देत रहे। आज का होइ ना के छत पर हमारे परिवार चहल है, फोटो खींचत रह, बहुत तरह से एकरा के माने अथी पर डाले, फेसबुक पर डाल दिया, एकरा के उल्टा पलटा लिखवाव दिया। एकरा बाद हम विरोध के लिए तो बाहर से लइकन बुला के कम से कम चार गो पाँच गो पिस्टल रहे, रॉड रहे, हॉकी रहे, वो सब मार पीला सब बोला में के दो आदमी के गोली लागल बा, हमारा के रॉड से मरले बड़ा सब मैंने की फोटो खींच रहा था आपके परिवार की लड़कियों का। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। हाँ, एक यंग लड़का है, उसको दो गोली लगी है दोनों पैर में, तो गोली तो हम लोगों ने निकाल दिया है, ब्लीडिंग सिक्योर है, सेफ जोन में है, पल्स में भी सब स्टेबल। बता जा रहा है कि और गोली लगी एक लड़के को? एक और शायद गोली लगी थी, उसको सर में लगा था, हमारे आने के पहले उसको रेफर कर दिया गया है, एक का हेड इंजुरी है, तीन लड़के हैं। थैंक यू। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोली चली, दो युवकों को गोली लगी है सर? हाँ, दो युवकों को गोली लगी है और एक के सर पे चोट लगी है। क्या स्थिति है सर अभी? एक लड़के के पैर में गोली लगी है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक के सर पे चोट लगी है, जो वो इलाज करा रहा है, और एक को पटना रेफर कर दिया गया। उसके बाद हम ज़्यादा डॉक्टर तो अपराधियों का मनोबल सर चढ़ कर बोल रहा है। अभी भोजपुर जिले के नवारा थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा दो युवकों को गोली मारी गई है, जिसमें एक युवक के सर में गोली लगी है, जिसको पटना PMCH रेफर कर दिया है गंभीर अवस्था में। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे एक युवक जो है पैर में गोली लगी थी, इसका गोली निकाल लिया गया है डॉक्टर विकास के सहयोग से। तो ये कहीं ना कहीं भोजपुर पुलिस के कार्यशैली पे एक सवाल निशान खड़ा करता है। जिस तरह से भोजपुर में अपराधी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे लोगों जो है भोजपुर के लोग जो है सख्ते में पड़े हुए डर रहे हैं, डर का एक माहौल भोजपुर में बना हुआ है। ऐसे में भोजपुर पुलिस को चाहिए कि सख्त से सख्त अपराधी के ऊपर कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का माहौल दोबारा ना बन पाए। राकेश कुमार, पंजाब केसरी, भोजपुर।